मूख्यतः आज मैं झंडे पचपन वर्ष देखि नजिक बड़ चिंदे आगे हमारा पार्टी का सभापति शेरबहादू को नेतृत्व में बने सरकार शुभकामना दिमाड़ उ शुभ कामना का साथ संशय तिनलाई पनि व्यक्त गर्ने मेरो अभिप्राय थियो र छ तर मभन्त पूर्वक्ता एक अत्यन्त प्रतिभाशाली र प्रतिबद्ध मित्रले सांसदले अहिले एउटा सम्झौता विशेषलाई केन्द्रमा राखेर अत्यन्त गम्भीर वक्तव्य दिनुभयो वक्तव्यमा उहाँले दिनुभएको मनषायाका बारे अहिले म पक्का बल्ने पक्षमा छैन एउटा सानो कुरा तर म उक्त माननीय जीवलाई संसद में रहन भाग यावत व्यक्ति रक्ति सांसद दलहर समझना करा चाहू उत उक्त को प्रयास संयुक्त राज्य अमेरिका आगे ये तो अर्क प्रस्ताव कुने दिन हिंदुस्तान आऊला अथवा आईसकोला चीन आऊला अथवा आई सकते हो यूरोपिय यूनियन शक्ति का रूप में अगर बढ़ी रहता है तैयारी आइस एवं सानो देश सा। भूगोल का हिस्बले सामान छता नजानु बला भारत चीन का छे में पड़े हम सामान देखिशं विश्व का राष्ट्र का तुलना में आपूला हेन्न गन ठूलों संसाधन ने हमी रह्र छसिकताब छीस अक्षय अद्भुत अमूल्य प्राकृतिक स्रोत हूँ हमारा नदी नाला देखि पर्वतराज हिमालयसम का जो नीत संसाधन हमी च्यान विदेशी डलर को मत भोग खोजी ठूल सांस्कृतिक विषय राजनीतिक विषय मात्र मैं तय छाह भारत चीन संयुक्त राज्य अमेरिका अर्क शक्ति का रूप में आकांक्षी अनेकानेक राष्ट्र यूरोप यूनियन देखि जापान ती देश में विदेश नीति का सिलसिला में यो ज्यादा तथ्यन उग्र मतभेद होने प्रश्न चाहे अमेरिका हेनो चाहे भारत हेन चाहे चीन हेन ठीक छे तो ठीक है जे दृष्टिकोण से आपने दृष्टिकोण तू ठीक कि बेठीक भादा बेठीक नहीं हो तर बेठीक कमी आज राजनीतिक दल को यो दबदबा में चकचकी देश में लोकतंत्र होना ज्यादातर दलतंत्र चलिक बेला में पच्लो सर्वोच्च अदालत अब्वाद का रूप में आगे दलतंत्र का मज में मा हमारा सरोकारवाला विदेश नीति बना सकते पूर्व वक्ता माननीय जिसके सारदर्भित तो कुछ भूपनी यह समझना राख् आवश्यक जब समय मूलुक का सरोकारवाला मूलूक सब दल साझा विदेश नीति का प्रति प्रतिबद्ध होतेन हमीर मध्य प्रत्येक एक अर्थ तल देखा उचा दिखाएगा मुख को तितो मैं पोख्छ इस खास संधि का बारे म टिप्पणी करना चाहन्न हम आत्मनिर्भर बंदाखि हम विदेशी सहायता बिना भी बन सकता हमी हमारा देश का संसाधन लाल पा चाल ना शैली में अगड़ी बढ़ाई रहो अप्वाद छा कुछ मंत्री अब बात छेन को प्रधानमंत्री अब बात छैन उन्ना आत्मा भी चिहायान मुलूक हेन बाहर 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 बात हर लिने क्यों विषय का उन तर बड़ो विचारेतक ढंग बा जिम्मेदार नेकमा के मित्र भन्न भाई पीछे मे क्या भन्न मनलामो समय देखिन बारम्बार विभिन्न मंच भेजे पैले हमी साझा दृष्टिकोण बनाऊ भारत का प्रति चीन का प्रति अमेरिका का प्रति अन सन्धि खारिज करने कुन नगर्ने नख्ने करूला नीति को प्रश्न हो सभा को मूल कारण के प्रधानमंत्री शेयरबहादुर शुभ कामना और बधाई भी दिन संगसंगे वहां समझना कराऊन सानों समझना दोसरो जन आंदोलन को उपलब्धि दोसरो आंदोलन को जनादेश का बेला में हमारा तत्कालीन पार्टी सभापति गिरिजा प्रसाद कोरला प्रधानमंत्री हो नेतृत्व में नहीं चौसठी को अंतरिम संविधान बनो इस अंतरिम संविधान का बाहक परिचालक संभा को को अनुहार मोटामोटी रूप में सरकार में शामिल दीर्घकान जन जन के सशस्त्र जनसंगष थोर अंत बाह्र बुधै सम्झौतामा पुग्नुभएका माओवादी नेकपा माओवादीका नेता समेत सभामुखसमेत त्यस्ता नेतृत्वमध्ये हुनुहुन्थ्यो मधेस आन्दोलनका नौमा अन्तरिम संविधानलाई चुनौती दिने अर्का नेता एमाले पनि सहयात्री थियो तर एमालेको त्यस समयको नेतृत्व र कदाचित अहिले पनि कार्यकर्ता पङ्क्तिमा टाउको गन्दा सांसदभन्दा बढी हैसियत राख्ने वर्तमान यस गठबन्धनका सहयोगी पूर्व प्रधानमंत्री कमरेड माधव नेपाल सब यहाँ संगसंग दल को तानाशाही भादा मथि उठे विवेक प्रयोग करने कतिपय स्वतंत्र सांसद पी क्यो गठबंधन पंचायत काल में चलते मिलीजुली खान होने वाली इस गठबंधन का प्रत्येक स्टेक होल्डर के प्रत्येक सहभागी हाथ राखिन् गणतंत्र को घोषणा पची अथवा संविधान को निर्माण पच्चीन बीत वर्ष आम जनता लगेन बल हम पालो आए लाखों को रूप में चप्पल लगाकर सड़क में उतने जनता कगेन एहे अब तो नया सुरुआत भैस इस मोर्चा का सब संगठकले खासगरी अध्यक्ष प्रचंड बाबूराम भट्टाई ने उपेन्द्र यादव के आदरणीय कमरेड बाधव नेपालजी सबचुन पर्वो विगत दस वर्ष कसरी गए सपन सपना में गो के मैं व्यंग्यात्मक शैली छप्न द्रष्टाध्य हो मुख्य कुरो के थो माग उर्दू में एट रात कविता है पाकिस्तान को समस्या लिया का कविफाय जब मज लेखे जो बिहान हो हिड़े थो हमी तो बिहान ते रही अर्को समय आए त हिंदू का कवि ने बना कहाँ तो वादा था चराग घर घर के लिए लेकिन पूरे शहर को भी चराग महेश्वर नहीं बड़े आम जनता में जो असंतोष आयोग नागरिक आंदोलन फिर ता बिर्स सर्वोच्च अदालत का विगत का दुई फैसला में रमने काम नगर्नोस् संघीय राज्य को नारा मधेशवादी पार्टी उठाई थी तो भाई पेपी कांग्रेस प्रजातांत्रिक प्रस्ताव करो आज पनि संघीय राज्य कागजमा सीमित छ सम्झना गराउन चाहन्छु सरकार जसको बनोस् कोविडको प्रतिकारमा स्थानीय सरकारले प्रशस्त काम गरेका स्थानीय सरकारलाई कसरी शक्तिशाली बनाउनुहुन्छ यस विराट मोर्चाले सफल गरोस् ठीक त्यस्तै अहिले पनि सङ्घीय राज्यलाई चाहिने खालको निजामती ऐन प्रहरी ऐन बनेको छैन यो सरकारले त्यो काम गरोस् कोविड का बारे में खोप खोप खोपन प्रधानमंत्री भनी सकू इस धन्यवाद तर साथी में जो एक प्रकार को असंतोष निराशा सत्ताधारी पंक्ति में आई रहे तो वहाँ ध्यान दून पर्च अवश्य हो कि वर्ष देखि बिग्री को व्यक्ति एक सकें तस्त हमी प्रधानमंत्री व सरकार को बारे फैसला सय दिन लाई हनीमुन भैया भी ध्यान दून पुख्य कुरो हम लक्ष्य के हो हमारा मंजिल के हो मुख्य लक्ष्य रंजिले हमी बड़ो सकस बड़ो प्रयास कर संविधान जोगा याद रह सभापुख महोदय म तो एक्लो सांसद हो नेपाली कंग्रेस भिट जिस संविधान का अंतर्विरोध इस संविधान को विसंगति यहांसम की भाषागत त्रुटि समेत आपत्ति आप जनाएर संसद को अंतिम दिन में मैं बहिष्कार करा थे मेरे हस्ताक्षर छविधान तर हम पार्टी भित अन्य स्था होनी हुं योग संविधान बहाली होसद बहाली होने कदाचित अत्यंत ज्यादा तर करने मध्य हमी के साथी कहीं मैं लगू संविधान में जे जे त्रुटि भई सके भेप सावभौम संसद स्थापना भैई पी सावभम संसद का मध्यम मधेश को जनजाति को दलित को महिला को अन्न सीमांतिक समूह को सधान सधान कर संसद बड़ी पर्च इस संविधान का मध्यम बड़ी पैसे प्रधानमंत्री को एक्तिर दिनादिन का समस्या उदाहरण का खोप को क्रुरा आयो हो खो, खोप 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 आवश्यकता हो मात्र मत हो महत्वपूर्ण कुरा तो सुशासन सुशासन शब्द को व्यापक अर्थ है तर सुशासन न बेला में खोप न आने संविधान ने बारम्बार चुनौती पाने विगत प्रधानमंत्री नहीं सही भूतपूर्व प्रधानमंत्री नहीं सही उ संवधान से खेलवाड़े यो आत्मविश्वास कहूँ वहां भी राजनीति करें इस कारण लेकिन कारण सही वहाँ ला थी आम जनता सरकारस राज्यसंग संविधान कारणसंतु इस प्रमुख ल प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजीलाई र यस सरकारलाई सहयोग गर्छौँ भर्थे गर्छु भनेर भर्थे गर्दै हिँड्नुभएका अन्य नेताहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने पहिले एकातिर खोपलाई सम्झिनुहोस् एकातिर आम जनताले दिनानुदिन भोग्नु परेका समस्या सम्झिनुहोस् त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुहोस् र अन्तमा एउटा बडो शब्द प्रचलनमा थियो सभामुख महोदयले पनि शब्द बडो प्रयोग गर्नु होला फ्युजन 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 बासठी त्रिष्ठी को आंदोलन भनिन्थ्यो तो दुईटा व्यवस्था देख वर्ष पांच वर्ष में एकपल चुनाव करने अखबार छापन दिने मनपरी गाली गर्न दिने भोट वोट कराने लोकतंत्र मान्छे भोका छन् नांगा मर पनि लोकतंत्र अर्कती एकदली व्यवस्था चलाउने त्यसलाई नया जनवाद तर सो आंदोलन नगरी सुबे तुम हट् पर्ने चीन को भविष्य के यी दुईटा ल्यूजन करने नाम हम एक भैया थी गिरजा प्रसाद को नेतृत्व में विश्वास करें माओवादी मधेशवादी सरकार में आया थी तो फ्यूजन विगत पंद्रह वर्ष में हमी कन्फ्यूजन बनाकर छोड़ ठंडा दिमाग कांग्रेस के का वर्तमान सभापतिसम बसर सब कुछ सोच कर अध्यक्ष प्रचंडदी अन्न सरोकारवाला सब सोचिकन विगत का भूल सीखे एापी कांग्रेस के सीखना पे लोकतंत्र को रूढ़ अर्थ जड़ जड़सूत्रीय अर्थ बड़ चल्द रही ना लोकतंत्र को पांच को हो ही ना, लोकतंत्र पांच वर्ष को चुनाव मात्र मई लोकतंत्र, लोकतंत्र को लेखने बोले आजादी मत भी गहिरो कुरा हो मैं यहीं चेतावनी देखें प्रधानमंत्री ओलीतंत्र को संख्यातंत्र हो राजीव गांधी को उदाहरण दी गं इंदिरा गांधी को उदाहरण दिए थी लोकतंत्र संख्यातंत्र होने कुरा पूर्व प्रधानमंत्री ओली बुझ्भ अब इस नया सरकार ने बुझ्पर लोकतंत्र को मर्यादा राख्ते लोकतंत्र को मर्म पुग्द लोकतंत्र का बड़ीभंदा बड़ी रैडिकल जनमुखी कसरी बनाने योग दायित्वी तो कंग्रेस को सभापति शेरबहादुर जी को हो लोकतंत्र को जड़सूत्रवादी व्याख्याट हमी उठन पत्रीजी तस्त एक्कीसौ शताब्दी आइस बीसों शताब्दी में फेल भैया सोवियत यूनियन को विघटन पीछे एक पच्ची अर्क पूर्व यूरोप का ढलते गई ती अनुभूति राजनैतिक स्तर में बुझ्स अरुस् नाम लेकिन नोला न हो ना चीन को तो चक्काचौ नहीं सक्कली हो पांच दस वर्ष में हम रहोलास को नक्कलीपना तर था जिससे सोवियत कराय गुरु भाई पाओ ना नर्थ कोरिया का ती वंशानुगत साम्यवाद नहीं वास्तविक साम्यवाद आम नया किसी विश्वशताब्दी को इतिहास हेौ विश्व शताब्दी में तथा कथित बेलायत में जन्मी को संचित व्यवस्था नांगी को जनवाद बहुलवाद बहुत जनवाद पर अलमत भर इला न सिकी यन नगरी इला नबुझी हमारी बढ़ सकते तर सम्मान को नाम में हमी मानना गीत गाएर पुराना तंत्र गाएर पुराना शास्त्र भट्ट र शास्त्रका किमतमा लोकलाई बुझ्न हामीले छोड्यौँ भने इतिहासमा हाम्रो नाम मात्र रहन्छ यसपल्ट यो सरकार असफल भयो भने शेरबहाजी असफल भयो हुन्न बुझ्नु सरकार बालहारी यसपल्ट असफल भयो भने कदाचित संविधान असफल हुन्छ संविधान असफल भएर पनि केही बिग्र्दैन व्यवस्था असफल हुन्छ व्यवस्था असफल हुनु भनेको सोचता मात्र पनि कहारी लाग्छ मलाई संविधान हस्ताक्षर नगरेको एक व्यक्तिमध्ये म भन्दैछु कि बाटो अर्को देख दिन मैसे संविधान रक्षा कर अग्रपंक्ति में आए बोले हूँ लेखक हो अब अ टिप्पणी करने पक्ष में छा मित्र हनीमून को कुरा हो, हो हनीमून सय दिन लग्द स बड़ी समय लिख आप लक्ष्य का बारे स्पष्ट हो वर्ष पहले इस नई सदनबा बोलते मैं तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहनजी लेंग्रेस मित्र समझाया थे मनमोहनजी भरख प्रधानमंत्री होग्यू तेज मैं थे हम अभी से किस तरह बेवफा उनको कहें मंजिल की बात है रास्ते में क्या कहें यो गठबंधन आज आलोचना करना चाहन्न म इस गठबंधन ने लक्ष्य पूरा करोस् शुभ कामना इसका लगी खास करी शेरबहादुर जी नेतासंग शिक्षा लीएर गिरीजाप्रसाद उदाहरण लिर्जा प्रसाद के जसरी जादा जंगल में रहकर हिंसावादी मूलधारा में लिया प्रतिपक्ष को नेता भरपनी इस संविधान अंतर्गत प्रधानमंत्री रहकर संविधान को मर्म नबुझान भएका पूर्व प्रधानमंत्री संविधान को संरक्षण भार्दन भाग पूर्ण राष्ट्रपति लागू कसरी बड़ी भाग बड़ी संविधानवाद को शिक्षा दिने सबा ठूल लक्ष्य हो ठूल लक्ष्य आपको ठावो लक्ष्य भैया दैनिक समस्या बड़ा मुख चोर्न पाइद कोविड का बारे में कृपया ठोस कदम चाल्नुहोस् चाँड भाजा चाँड आम जनताले जिन्दाबाद भन्ने खालको मन्त्रीमण्डल बनाएर दुनियाँलाई देखाउनुहोस् मेरो हार्दिक धन्यवाद छ यो सरकारको सफलता यो सरकारको नेतृत्वमा चुनाव होस् भन्ने अभिलाषालाई म शब्दमा व्यक्त गर्न सक्दिनँ सभामुखका माध्यमबाट सरकारलाई म सुनाउन चाहन्छु धन्यवाद सभामुखमा